अक्षय कुमार का गाना जिक्र दा दिला दूँ तुझे बुर्ज खलीफा ज़रूर सुना होगा, लेकिन अब बुर्ज खलीफा से काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि अब दुबई में बनने जा रहा है हफ्तूर टावर। बुर्ज खलीफा के बाद अब दुबई में सबसे ऊंची रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन होने जा रहा है। दुबई के नाम आसमान छूती इमारतों की लिस्ट में एक नई बुलंदी जुड़ने जा रही है। दुबई का हल हफ्तूर ग्रुप शहर में एक स्काई स्क्रैपर बनाने जा रहा है। इस बिल्डिंग को हफ्तूर टावर के नाम से जाना जाएगा। तैयार हो जाने के बाद यह टावर दुनिया की सबसे ऊंची रेजिडेंशियल बिल्डिंग के रूप में पहचाना जाएगा। अल हफ्तूर टावर दुबई के सबसे प्राइम लोकेशन में से एक शेख जायद रोड पर बनेगा। इसके साथ ही यह टावर दुबई वाटर कैनाल के तट पर होगा। अल हफ्तूर ग्रुप के अनुसार इस बिल्डिंग का बिल्डअप एरिया 35,17,313 स्क्वायर फीट होगा। इसमें ज़मीन के ऊपर 81 मंजिलें होंगी। कंपनी का कहना है कि वह 36 महीने में इस टावर के कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट पूरा कर लेंगी। अल हफ्तूर ग्रुप का कहना है हफ्तूर टावर को बनाने में कई ऐसी टेक्निक्स का यूज़ हुआ है जो अब तक यूएई में यूज़ नहीं हुई है। इसमें 80 मीटर गहरा फाउंडेशन सिस्टम का यूज़ हो रहा है, जिसमें 15 मीटर स्टील के ऊंचे कॉलम हैं। इससे कंस्ट्रक्शन में कम से कम 6 महीने लगेंगे। कंपनी कई लोकेशन पर शानदार होटलें भी चलाती है और कंपनी के पास लग्जरी कारों के शोरूम भी है। अगर आप भी इस बिल्डिंग को जल्दी से देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएँ।